नमस्कार, क्रॉस फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे वो आरजेडी का कद्दावर नेता है। अपने बलबूते पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं और लगातार ये बात सामने आती रही है कि प्रभुनाथ सिंह ऐसे शख्स हैं जो चुनाव कोई भी हो लड़ते जरूर हैं। पिछले दरवाजे से सदन में एंट्री करने का कोई शौक नहीं, हालांकि पिछले चुनाव में मात खाए हैं, लेकिन इस बार भी उस चुनाव को भी ये चुनौती दे रहे हैं। हाईकोर्ट में आज तक वो मामला चल रहा है। हमारे साथ प्रभुनाथ सिंह जी मौजूद हैं। प्रभुनाथ सिंह जी, इंडिया ब्रेक में आपका स्वागत। प्रभुनाथ सिंह जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप आरजेडी में, आरजेडी के भीतर आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने ही नेता, अपने ही लोग आरजेडी सुप्रीमो के खिलाफ होते जा रहे हैं, लगातार बयान दर बयान आ रहे हैं, और ऐसे में महागठबंधन जो कि एक मंच बनाता है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी अब कुछ बोलने लगे हैं, जेडीयू के लोग भी कुछ बोल रहे हैं, और आरजेडी के लोग तो पहले से ही मुखर होकर बोल ही रहे हैं। देखिए, आरजेडी में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, और आरजेडी में लालू जी के खिलाफ होने के बाद आरजेडी में जगह कहाँ है। आरजेडी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, उसमें सारे लोग सहयोगी हैं, सिपाही हैं हम, इसलिए मेरे नज़र में कहीं आरजेडी में मतभेद नहीं। जहाँ तक अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बोलने का सवाल है, तो जब आप ही कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टी है, तो अलग अलग पार्टी है तो मतभिन्नता तो होगी। कौन क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि महागठबंधन पर भी कोई खतरा नहीं। नेताजी, रघुवंश बाबू की बात करें, रघुवंश बाबू ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं एक तरह से निशाना साधा। दूसरी तरफ बात कर लें मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जो हाल ही में भागलपुर जेल से निकल कर बाहर आए और उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री करार दे दिया, कहा कि हमारे नेता लालू यादव हैं। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आ रहा है कि आरजेडी के लोग और कुछ लोग ऐसे हैं आरजेडी के अंदर जो नीतीश कुमार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को के ऊपर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो अगर आरजेडी को दिक्कत है तो वो महागठबंधन से अलग हो सकती है। इस तरह की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने कही, प्रदेश अध्यक्ष ने, जो कि मंत्री भी हैं सरकार में। जेडीयू के नेताओं ने भी कहा कि रघुवंश बाबू क्या बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन क्या बोल रहे हैं, इसका जवाब लालू यादव दें कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और कहीं भी कोई फूट नहीं आपस में? नहीं, देखिए, शहाबुद्दीन ने जो जेल से निकले उस समय उन्होंने बोला कि लालू जी हमारे नेता हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ उस दिन से शहाबुद्दीन लालू जी के साथ हैं, जेल नहीं गए थे तो भी साथ थे, जेल में रहे तो भी लालू जी के साथ रहे, अभी जेल से बाहर निकले हैं तो भी साथ रहे। तो इतने लंबा अवधि तक साथ में रहना, इसका मतलब कि शहाबुद्दीन को लालू जी का आइडियोलॉजी पसंद है, उन्हें अपने नेता के रूप में मानते हैं। अगर इस बात को कहते हैं कि लालू जी हमारे नेता हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। लालू जी ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है कि दल के भी नेता हैं, तो शहाबुद्दीन इसमें कोई गलत नहीं कहते हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, आंशिक रूप से हम इस बात से सहमत नहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार जब विधानसभा के चुनाव जंग जारी था तो लालू जी ने स्वयं घोषणा किया था कि नीतीश कुमार नेता होंगे, अगर बहुमत मिलेगा तो ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था, और नीतीश कुमार अपने दल यानी राष्ट्रीय जनता दल के तो नेता थे ही, उनके नाम पर सभी दल मिलकर बिहार में वोट मांगा है, जनता से वोट मांगा है, और जनता ने समर्थन दिया तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार जनता के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको ये नहीं कहा जा सकता कि परिस्थिति का मुख्यमंत्री है। और जहाँ तक अशोक जी बोल रहे हैं कि जनता दल को पसंद नहीं है तो बाहर चला जाए, तो बैसाखी के सहारे कुछ सीटें जीत कर आने वाले लोग अगर इस तरह बड़े दल पर कमेंट करें तो दुर्भाग्य की बात है। हमको लगता है कि अगर गठबंधन में कांग्रेस यहाँ नहीं रहता तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता। अगर कांग्रेस का खाता भी खुला है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय लालू जी को ही जाएगा, और लालू जी के ही बदौलत अशोक जी विधानसभा में आए या विधान परिषद में आए, आज मंत्री भी हैं, उन्हें बोलने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि अशोक चौधरी जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कोशिश उनकी हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से ज़्यादा जेडीयू में उनकी पूछ हो,
अब नीतीश कुमार को वो अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हो या इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है, क्योंकि इस तरह के बयान के फिर मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, पूछ तो ताकत का और जनता में प्रभाव का होता है। तो ताकत यह सर विदित है कि जनता दल यूनाइटेड से भी बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, और जहाँ तक जनता में पैठ और लोकप्रियता का सवाल है तो ये भी सामने आ चुका है कि प्रतिशत वोट लालू यादव का अन्य नेताओं से ज़्यादा इस बिहार में है। इसके चलते क्या प्रभाव जमाएंगे? प्रभाव कांग्रेस में जमा सकते हैं, सोनिया जी को खुश कर सकते हैं, राहुल जी को खुश कर सकते हैं। गठबंधन में जिसका जितना प्रभाव है वो है, ना किसी के बढ़ाने से बढ़ने वाला है, ना किसी के घटाने से घटने वाला है। लालू जी का प्रभाव लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा, उस प्रभाव में कमी आ गई थी, और ये प्रभाव की बात अगर कहते आप कर रहे हैं तो जेडीयू के लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से लालू फिर सत्ता में आए और उनका प्रभाव फिर से वो रिकॉग्नाइज हुआ और उनका प्रभाव फिर से एक बार दिखने लगा, क्योंकि वो अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं होते और फिर से अलग होकर चुनाव लड़े होते तो फिर से वो प्रभाव उनका वापस नहीं लौटता। तो कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव को दी है। देखिए, लालू जी लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहे, कभी वो मुख्यमंत्री रहे, कभी उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। अगर प्रभाव घटा नहीं होता तो सत्ता से नहीं हटते, इतना तो सच्चाई है। लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा सत्य है कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ होता तो न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते, न राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी होती, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुलता। तो इसलिए अगर सत्ता हासिल हुआ है तो इसमें दोनों का प्रभाव, दोनों का ताकत काम किया है, उसमें प्रतिशत वोट लालू यादव का ज़्यादा है। लोकसभा का चुनाव नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद लगातार पीएम पद का 2019 में उम्मीदवार कौन होगा, प्रबल दावेदार कौन होगा, तमाम पार्टियां इसको लेकर अपने तरफ से बयान दे रही हैं। जेडीयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं, लालू प्रसाद यादव ने आज बयान दे दिया, या तो मुलायम सिंह, या तो ममता बनर्जी, या तो जयललिता, या फिर नीतीश कुमार, इन्हीं चारों में से कोई पीएम होगा। आपको क्या लगता है, ये इस तरह के बयान, महागठबंधन बना के आप लोग बिहार में सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और उसके बाद तीनों दल अलग अलग लोगों को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2019 के लिए, हालांकि चुनाव भी नहीं है अभी लोकसभा का? देखिए, अभी समय इन सब बातों पर टिप्पणी का है नहीं। वैसे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी हैं, और लालू यादव जो निर्णय करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में रहने के नाते, हम लोग तो उसी निर्णय के साथ होंगे। दूसरा कि चाहे कोई व्यक्ति, कोई दल का व्यक्ति किसी को मटेरियल कहे, प्रोजेक्ट करे, होता उससे कुछ नहीं है जब तक जनता के नज़र में वह मटेरियल नहीं हो जाता। अब जनता के नज़र में कौन मटेरियल होगा ये जब समय नज़दीक आएगा तो समझ में आएगा, जब समझ में आ जाएगा तो मैं खुलकर बोलूँगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो क्षमता है ये बनने की, क्योंकि उनके कांग्रेस तरफ से लगातार राहुल गांधी को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर आ रहे हैं। आपने अलग कहा कि अभी ये वक्त नहीं है बोलने का, लेकिन एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे आपसे। देखिए, वैसे राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है, देश का कोई तबका, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, व्यवसायी हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, राहुल गांधी की एक्टिविटी को पसंद नहीं करता है प्रधानमंत्री के रूप में। बताइए, एक बात साबुद्दीन से जुड़ा हुआ सवाल है। साबुद्दीन से जुड़ा हुआ सवाल हमारा ये है कि जब से वो बाहर आए हैं तब से कहीं ना कहीं तलखी बढ़ गई है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, क्योंकि साबुद्दीन जो लगातार बयान दे रहे हैं कि पहले भी, आज भी और भविष्य में भी हमेशा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव थे, हैं और रहेंगे, ये बयान उन्होंने दिया। सरकार के लोगों ने कहा कि शासन के इकबाल का एहसास कराएंगे, जेडीयू के लोगों ने कहा साबुद्दीन को शासन के इकबाल का एहसास कराएंगे। सरकार अपील के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील भी कर चुकी है। क्या लगता है कि साबुद्दीन का बाहर निकलना कहीं ना कहीं गले की फांस बन गया आरजेडी के लिए, और जो तमाम बातें आ रही हैं कि साबुद्दीन को निकालने में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की आम सहमति थी, एक साजिश के तहत उनको निकाला गया, ये बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि साबुद्दीन के खिलाफ CCA लगाने की मांग बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हालांकि कानूनी पहलू जो है इस बात की गवाही नहीं देता। तमाम चीज़ें जो हैं इस मुद्दे पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या उचित रूप में क्या हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और सरकार में जो लोग शामिल हैं उन लोगों ने साबुद्दीन को निकाला लेकिन अब वो गले की फांस बन गए हैं। देखिए, चार पाँच सवाल आपने एक साथ किया है,
एक तो कि लालू जी और नीतीश जी मिलकर शहाबुद्दीन को निकाले हैं और शहाबुद्दीन जेल से निकलने के बाद गले के फांस बन चुके हैं। हम नहीं जानते कि किसको कितनी प्रसन्नता है और किसको कितना इस बात से तकलीफ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार को शहाबुद्दीन के जेल से निकलने से प्रसन्नता है। जहाँ तक एक साथ मिलकर ये बिल्कुल कहना गलत है, इसलिए कि सरकार अगर थोड़ा भी नरम होती तो शहाबुद्दीन बहुत पहले जेल से निकले होते। लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है, बिहार की सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है और यह तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में माननीय न्यायाधीश द्वारा शहाबुद्दीन का जमानत दिया गया है। इसलिए यह कहना कि मिलकर निकाला गया है, न सरकार को जेल में बंद करने का अधिकार है, न सरकार को निकालने का अधिकार है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोग जेल में रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से ही जेल से बाहर निकलते हैं। जहाँ तक जमानत और प्रतिक्रिया की बात है कि जदयू की प्रतिक्रिया थोड़ा तल्खी से आ रहा है, हमें कहना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन ने अगर ये कहा है कि लालू यादव हमारे कल भी नेता थे, आज भी नेता हैं, कल भी रहेंगे, तो इसमें उन्होंने एक पैसा भी गलत नहीं कहा है, 100 में 100% सही कहा है। उनका यदि उनके प्रति, उनके आदर्श के प्रति उनको विश्वास है तो कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। दूसरा कि इस प्रतिक्रिया के को लेकर तल्खी हो तो हम समझते हैं कि ये तल्खी मुनासिब नहीं है। जहाँ तक जमानत तोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना, तभी तक हम जानते हैं कि किसी भी अभियुक्त जब जमानत से बाहर निकलता है जेल से, तो जमानत तभी न्यायपालिका से टूटता है जब उस व्यक्ति के द्वारा उस केस से संबंधित किसी गवाह को दबाव बनाकर उसे अपने पक्ष में करने या उसको धमकी देने या उसके जान माल पर खतरा होने की बात सामने आती है और यह प्रमाणित होता है, सिर्फ जुबानी कह देने से नहीं होता है। तो शहाबुद्दीन पर जो इस मामले में अभी जमानत उनका हुआ है, जिस समय घटना घटी थी वो जेल में थे, तो जेल में थे तो उनके खिलाफ तो गवाह हो सकता है जेल का कोई कर्मचारी, पदाधिकारी या जेल का बंदी या उस दिन मिलने जाने वाले जो लोग हों, किसी बंदी से मिलने गए हों, जो लोग शहाबुद्दीन के साजिश से संबंधित कोई बात सुने हों या वो मोबाइल से कहीं किसी से बात करते हों जिसका साक्ष्य पुलिस ने कलेक्ट किया हो, हमको नहीं लगता है कि ऐसा किसी भी साक्ष्य का बयान पुलिस ने अपने डायरी में अभी तक जिक्र किया है। तो आखिर ट्रेट किसको कर रहे हैं, धमकी किसको दे रहे हैं? इसलिए जमानत तोड़ने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे विशेषाधिकार है न्यायालय का, जमानत देना या जमानत तोड़ना, जमानत नहीं देना, जो उचित न्यायालय को फैसला लगेगा उचित अपना करेगी। लेकिन मेरे समझ से अभी जमानत के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं बन रहा है। एसपी और डीएम का, जैसा कि हम अखबार में रिपोर्ट पढ़े हैं कि उन्होंने लिखा है कि इनके बाहर रहने से लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करेगा, अगर आप लोगों को पूछना चाहिए उस एसपी और डीएम से कि तब आप सिवान में पोस्टेड क्यों हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो आपको स्वयं वहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है? एक हफ्ता हुआ शहाबुद्दीन के आए हुए, अभी तो सिवान में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है। तो नहीं आया है तो आने वाला भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इस तरह का प्रतिवेदन देना, ये कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर प्रतिवेदन देना है, किसी पर मानसिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तक ये बीजेपी के धारणा वगैरह का सवाल है, तो अब तो समय आ चुका है कि न्यायालय बहुत से ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेती है और न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह धरना और प्रदर्शन और यह बयानबाजी शहाबुद्दीन के खिलाफ हो रहा है या माननीय न्यायाधीश और न्यायालय के खिलाफ हो रहा है, तो न्यायालय को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जितने लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उन पर नोटिस करना चाहिए, नोटिस करके उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, कोर्ट ऑफ कंडम चलाना चाहिए, उन लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई न्यायालय के खिलाफ इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जहाँ तक सीसीए का सवाल आपने उठाया, सीसीए लगाने का भी प्रावधान है। सीसीए लगाने का प्रावधान के बाद ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक्शन से पब्लिक ऑर्डर भंग होता, और पब्लिक ऑर्डर भंग होने में कहीं न कहीं उस आदमी के आर्थिक लाभ लेने की संभावना देखती हो, जांच में अब प्रमाणित हो जाता हो, उसके उस कार्रवाई से दहशत का वातावरण पैदा होता हो, आतंक का वातावरण पैदा हो, और हाईकोर्ट ने तो उसमें एक लाइन और बढ़ा दिया कि ये सब घटना 9 महीने के अंदर की होनी चाहिए। शहाबुद्दीन को जेल से निकले हुए अभी 9 महीना नहीं हुआ, ऐसा कोई घटना ना तो अभी तक मीडिया ने सामने लाया है जेल से निकलने के बाद, ना अखबार में सामने आया है, न प्रशासन ने कहीं इस तरह का दावा किया है। कौन सा ऐसा शहाबुद्दीन पर आरोप बनता है जिसमें शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाया जाएगा? ये सब बात बेईमानी का है या
वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है और कुछ बोल रहे हैं, मीडिया के लिए बोल रहे हैं, पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग केस के जानकार और कानून के जानकार होंगे इन बोलने वालों का मजाक उड़ाते होंगे। मेरे नज़र में यही होता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए, शराबबंदी कानून की आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, 2 अक्टूबर से पूरी तरह से उसको लागू भी कर दिया जाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपकी पार्टी के ही कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, शहाबुद्दीन ने भी सवाल खड़ा किया कि जो कानून लागू करने का तरीका है वो गलत है, रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार का जो कानून है ये अंधा कानून है। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पे आप क्या सोचते हैं कि ये कानून सच में जायज है या इसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? नहीं, बिहार में जो शराबबंदी का कानून लगा है, शराबबंदी ये शब्द जितना प्रशंसा किया जाए वो कम ही होगा, बहुत ही अच्छा है। ये बात ठीक है कि जो कानून बना है उसमें कुछ त्रुटियां है, और वैसे जो भी कानून बनता है उसमें त्रुटियां रहती है, बाद में उसमें स्कोप रहता है उसको सुधारने का, भविष्य में संशोधन आता है उसमें सुधार किया जाता है, तो कुछ कानून में त्रुटियां हैं। और एक बात जो इस मामले में शहाबुद्दीन ने कहा था कि जन जागरण करना चाहिए शराबबंदी के लिए, हमको लगता है कि ये बात शहाबुद्दीन का बहुत ही अच्छा था और सरकार कर भी रही है, जहाँ तहाँ मुख्यमंत्री स्वयं घूमकर मीटिंग कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में एक कौन समूह है उन लोगों को बुला बुला के मीटिंग करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं कि भाई शराब बंद होना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और एक तरीके से शराब पीने वालों को कानून के माध्यम से धमकी भी देते हैं, तो ये प्रचार और प्रसार भी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जो कानून बना है उसमें थोड़ा सा हमारे नज़र में भी त्रुटि है, हमको लगता है कि समय आने पर स्वयं उसमें सरकार सुधार करेगी। किस बिंदु पे सुधार की गुंजाइश आप मानते हैं? नहीं, जैसे उसमें कानून में जो, जैसा कि हमने कानून का वो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो टीवी पर आ रहे हैं, जो अखबार में आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री का भी कई बार बयान हमने देखा कि अगर किसी कैंपस में शराब पकड़ा जाए तो उसमें बालिग सदस्य होंगे उन पर केस होगा, तो बहुत सा ऐसा देहात में मकान है, बहुत सा पक्ष और विपक्ष है, रात में किसी के छत पर चढ़कर कोई एक कार्टून रख दे और वही पुलिस को सूचना कर दे और पुलिस उसको घर के मुखिया को पकड़ ले, घर के अन्य सदस्यों को एक्यूज बनावे, तो हमको लगता है कि एक मुनासिब नहीं होगा, एक गलत होगा। ऐसे मामलों में सरकार को सावधान रहना चाहिए और सरकार को इसमें संशोधन की आवश्यकता है, ताकि इसमें कोई भी निर्दोष कहीं से, जैसे अभी एक घटना लकड़ी नबीगंज प्रखंड का हमने जाना है और सही हमको जानकारी है कि एक मनोज सिंह मुखिया है, लोगों में लोकप्रिय है, और उसको पुलिस ने FIR, पुलिस में ही मुदई बनकर FIR कर दी, और ये कही कि जिसको हमने पकड़ा वह कहा कि उनका शराब है, वो हमसे बिकवाते हैं, तो हम समझते हैं कि पुलिस भी कहीं इसमें अपना खेल खेल रही है। तो ऐसे जो मामले आते हैं, इन मामलों को देखने से लगता है कि पुलिस इस मामले में निरंकुश होते जा रही है, पुलिस को इतना अधिकार और इतना छूट देने की आवश्यकता नहीं है, अगर पुलिस को इतना अधिकार और छूट दिया गया तो इस जनमानस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेताजी, पड़ोसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लालू जी के संधि वहाँ पे सत्ता में है, लेकिन वहाँ बात हो रही है कि जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो राज्य कैसे वो लोग संभालेंगे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो भूचाल आया है उसका असर हो सकता है चुनाव में देखने को भी मिले। RJD किस रूप में ले रही है इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि RJD चाहती है वहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में जाना, तो RJD की रणनीति क्या होगी तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम हालात को देखते हुए? देखिए, जब तक मुलायम सिंह जिंदा रहेंगे समाजवादी पार्टी में पारिवारिक फूट नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुलायम सिंह के बाटों से इधर उधर जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की छवि अच्छी है और हम लोगों को जो सूचना मिल रहा है इसके अनुसार अखिलेश की सरकार पुनः वापस हो जाएगी, और ये मामला भी जो अखबार में आज जैसे हमने देखा है लगभग आपस में लोगों का सलटिंग गया है, क्योंकि मुलायम सिंह हस्तक्षेप कर गए हैं तो नहीं सलटने का सवाल नहीं है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही मुकाबले में रहेगी लेकिन सरकार अखिलेश की ही बनेगी। RJD क्या भूमिका होगी UP चुनाव में? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ हैं और मुलायम सिंह के साथ हम प्रचार भी करेंगे उत्तर प्रदेश में जाकर सरकार अखिलेश का वापस करने के लिए, तो वो तो स्पष्ट घोषणा हो चुका है। RJD में दूसरे व्यक्ति का कोई दूसरा भूमिका होगा इसका सवाल ही नहीं है, वहाँ सपा के साथ RJD खड़ी है। तो सपा के साथ UP में RJD खड़ी है, साफ तौर पर नेताजी का कहना है, और इन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस तरीके शहाबुद्दीन का जो बयान आया है उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन
लालू के पार्टी में है, लालू की पार्टी से है, लालू की पार्टी से चुनाव जीतते आए हैं और लालू के साथ लगातार रहे हैं, तो अगर वो लालू को अपना नेता मान रहे हैं तो इसमें किसी को भी किसी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज के पुरस्कार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।